पेज मेकर में इमेज को या फोटो को कैसे रोटेट करते हैं, दो तीन तरीके मैं आपको बताऊंगा। बहुत इजी है इमेज को रोटेट करना। तो यहाँ देखिए मेरा पेज मेकर 7.0 खुला हुआ है। अब पहले से मैंने एक पेज ले रखा है। अब मैं किसी भी इमेज को रोटेट करने के लिए या फ़ोटो को रोटेट करने के लिए पहले एक इमेज लेकर आना होगा। तो फ़ोटो या इमेज कैसे लेकर आते हैं, फाइल में जाते हैं, यहाँ पे देखिए प्लेस का ऑप्शन दिया हुआ है, प्लेस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से प्लेस का डायलॉग बॉक्स खुलता है। अब यहाँ से क्या है, जिस जगह भी आपने फ़ोटो रखा हुआ है यहाँ से उस लुक इन का जो बॉक्स है यहाँ से आप सर्च करके वो फ़ोटो ला सकते हैं। तो यहाँ देखिए एक फ़ोल्डर है जिसके अंदर बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं। मैं यहाँ से एक फ़ोटो लूँगा, सिंपल सा, यहाँ बहुत सारे फ़ोटो है। देखिए यहाँ पे जैसे ये एक फ़ोटो है, इस पर क्लिक किया मैंने, उसके बाद ओपन पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, यस पे आपको क्लिक कर देना है। करने के बाद आपको फ़ोटो को इस तरह से ड्रैग कर देना है। ये देखिए फ़ोटो यहाँ पे आ चुका है। बहुत बड़ा ऐसा भी होता है देखिएगा कि फ़ोटो का जो क्वालिटी रहता है उतना अच्छा नहीं रहता है, उसका थोड़ा ब्लर टाइप का दिखता है, तो उसको थोड़ा सा आप सही कर सकते हैं। तो फ़ोटो पर क्लिक कीजिए पहले, उसके बाद फाइल में जाइए, प्रेफरेंसेस में जाइएगा और यहाँ पे जनरल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिएगा। प्रेफरेंसेस का इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, यहाँ हाई रेजोल्यूशन कर दीजिए, मोर पे क्लिक कीजिए। उसके बाद ग्राफिक का ये सेक्शन है, रेजोल्यूशन पे क्लिक कर दीजिए, इसको 100 होना चाहिए, ओके पे क्लिक कीजिए, फिर एक बार ओके पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद कुछ हद तक फ़ोटो आपका थोड़ा सा पहले से तो बेहतर हो जाएगा। अब रहा सवाल फ़ोटो को रोटेट या इमेज को रोटेट कैसे करेंगे, तो पहला सिंपल तरीका ये है, फ़ोटो पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे टूल बॉक्स में देखिएगा एक रोटेशन का आपको टूल दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे रोटेशन का, इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको इस तरह से फ़ोटो का आप इस तरह से ड्रैग कीजिए, जितना सामने रहिएगा तो कंट्रोल नहीं कर पाइएगा, थोड़ा सा आप इस तरह से ड्रैग करके दूर ले जाइए। ये देखिए हैंडल आपको दिख रहा है, ये देखिए जितना क्लोज रखिएगा उतना स्पीडली घूमता है, थोड़ा सा दूर से ऐसे घुमा सकते हैं, ये घुमा दिया, देखिए फ़ोटो घूम गया। फिर से इसको घुमाना, ये देखिए मैं यहाँ से घुमा रहा हूँ, फिर से इसको घुमाना है, यहाँ से घुमा सकते हैं, मतलब जिस पोजीशन से भी आपको घुमाना है वहाँ पे आपको पहले तो रोटेशन टूल पे क्लिक कीजिए, उसके बाद ऐसे ड्रैग कीजिए उस जगह पे, आप इस तरह से वहाँ से उस मिडिल पॉइंट आ जाएगा। अब जैसे इस कॉर्नर से घुमाना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप इधर से घुमा सकते हैं, देख सकते हैं। आपको अगर इधर से घुमाना है, इस जगह से घुमाना है, तो यहाँ पे माउस पॉइंटर रखिए, उसके बाद यहाँ मिडिल पॉइंट आ जाएगा, मतलब जिस जगह भी आपको फ़ोटो को रखना है और उस जगह से आप फ़ोटो को घुमा सकते हैं। तो ये पहला तरीका हुआ। अब दूसरा तरीका देखिए कैसे घुमाते हैं। तो पहले तो फ़ोटो को सिलेक्ट किया मैंने, उसके बाद यहाँ पे ये जो मेनू बार आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ आप यूटिलिटीज़ में जाइएगा, सॉरी विंडो में जाइएगा, यहाँ पे देखिए शो कंट्रोल पैलेट है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद इस तरह से देखिए कंट्रोल पैलेट इस तरह खुल जाता है। अब यहाँ पे देखिए बॉक्स दिया हुआ है, अब इस सबसे कॉर्नर पोर्शन पे जब ये फ़ोटो सिलेक्टेड रहेगा, क्योंकि देखिए कंट्रोल पैलेट में क्या होता है कि फ़ोटो को जो भी आप ऑब्जेक्ट या जो भी फ़ोटो सिलेक्ट कीजिएगा या सेव सिलेक्ट कीजिएगा उस रिलेटेड यहाँ पर वो सारे ऑप्शन ये सब खुलता है। तो फ़ोटो क्लिक कीजिएगा तो यहाँ फ़ोटो से रिलेटेड जितना ऑप्शन है यहाँ पर आपको दिखेगा। अब ये कॉर्नर में देखिए रोटेशन दिया हुआ है, यहाँ पे कितना डिग्री में घुमा हुआ है यहाँ पे शो कर रहा है। अब सपोज़ इसको पहले की अवस्था में लाना है तो यहाँ पे इस बॉक्स में क्लिक कीजिए और यहाँ पे ज़ीरो टाइप कीजिए, ज़ीरो टाइप कीजिएगा, इंटर दबाइएगा, तो क्या होगा आपका फ़ोटो पहले के पोजीशन पे आ जाएगा। अब रहा सवाल यहाँ से आपको घुमाना है फ़ोटो को, तो मान लेते हैं मुझे इसको 40 डिग्री में घुमाना है या 45 डिग्री में फ़ोटो को घुमाना है, इस टूल के मदद से नहीं कंट्रोल पैलेट की मदद से। तो यहाँ पे आप इस जो बॉक्स है यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, इस बॉक्स में अब लिख दे टाइप करना होगा 45 डिग्री आपको टाइप करना है, 45 सिर्फ टाइप कीजिए और कीबोर्ड से इंटर दबाइए। तो देख सकते हैं फ़ोटो मेरा 45 डिग्री में देख सकते हैं यहाँ पे घूम गया, ये देखिए। अगर इसको हम मान लेते हैं 90 डिग्री में घुमाना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं 90 टाइप कीजिए, मैं 90 टाइप कर रहा हूँ, फिर इंटर दबाऊँगा तो देखिए मेरा फ़ोटो 90 डिग्री में घूम चुका है, ये देख सकते हैं, सिंपल है। अगर मैं इसको -90 में घुमाऊंगा या माइनस देखिए या -45 लिखता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ, ये देखिए सॉरी, तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे घुमा दिया। बहुत सिंपल है, पहले की अवस्था में आपको आना है, सिंपल आपको यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे ज़ीरो टाइप कर देना है, ज़ीरो टाइप कीजिएगा, इंटर दबाइएगा तो पहले की अवस्था में आपका फ़ोटो आ जाएगा। तो सबसे सिंपल तरीका यही है कि आप ये रोटेशन टूल से भी घुमा सकते हैं, प्लस यहाँ पे आपका ये देख सकते हैं जो रोटेशन का बॉक्स है यहाँ से भी आप घुमा सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे हम लोग फ़ोटो को कैसे इमेज या फ़ोटो को कैसे रोटेट करते हैं। ईजी है, बहुत सिंपल है। अगर कहीं पे आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट अवश्य कीजिएगा और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।